खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक संत अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। कोई बिलख बिलख कर रो रहा था, जैसे उसकी सारी हिम्मत टूट गई हो। आवाज एक चट्टान के पीछे से आ रही थी। संत ने शिष्यों को रुकने को कहा। जब संत ने चट्टान के पीछे देखा, तब उन्हें एक आदमी नजर आया जो खाई के मुहाने पर खड़ा होकर रो रहा था। संत सब समझ गए। उन्होंने उस आदमी से कहा, जीवन खत्म करने से परेशानियां खत्म नहीं होती, अगले जन्म में यही स्थिति दोबारा प्रकट होगी। फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बस मेरी एक सहायता कर दो। मरते आदमी से कौन मदद मांगता है, उस आदमी को समझ नहीं आया, लेकिन संत की बात सुनकर वो वहीं रुक गया। संत उस आदमी से कहते हैं, तुम मरने से पहले मेरे शिष्यों पर एक उपकार कर दो। तुम जीवन को क्यों खत्म कर रहे हो, इसका कारण मेरे शिष्यों को बता दो, ताकि ये वो गलती ना करें जो तुमने की। संत की बात सुनकर उस आदमी ने खाई से कदम पीछे खींच लिए और कहा, श्रीमान, आज से 3 साल पहले मैं एक किसान था। उस समय मेरे पास धन कम था, लेकिन जीवन शांति से चल रहा था। पर मेरी पत्नी को ये सब रास ना आता, वो दिन रात मुझे ताना देती। पत्नी के तानों से परेशान होकर मैं कोई ऐसा तरीका चाहता था जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा धन जल्दी से जल्दी कमा सकूं। तभी मेरी अंतरात्मा से आवाज आई कि मैं व्यापारी बनकर खूब सारा धन कमा सकता हूं। अंतरात्मा की आवाज सुनकर मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी और कपड़े का व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लालच में मुझे भारी नुकसान हुआ। सारी जमीन पहले ही बिक चुकी थी और अब मैं रिश्तेदारों के कर्जे में भी दब गया। अब मैं घर और बाहर कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं कष्ट और पीड़ा के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। तभी मेरी अंतरात्मा से दोबारा आवाज आई कि जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ अपने जीवन का अंत करने आया हूँ। संत ने कहा, भाई, जो आवाज व्यापार करने से पहले सुनी थी और जिस आवाज को सुनकर तुम यहाँ जीवन खत्म करने आए हो, क्या ये दोनों आवाजें तुम्हारी अंतरात्मा की थीं? क्या ये बात तुम पूरे विश्वास से कह सकते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ महाराज, ये दोनों आवाजें मेरे अंदर बहुत गहराई से आई थीं, ये मेरी अंतरात्मा की ही आवाजें थीं। संत उस आदमी से बोले, अंतरात्मा की आवाज तो आत्मा से आनी चाहिए, क्या तुम जानते हो आत्मा तुम्हारे शरीर के किस हिस्से में रहती है? संत की बात सुनकर आदमी सोच में पड़ गया। उस आदमी ने संकोच के साथ बोला, हर इंसान के अंदर आत्मा रहती है, लेकिन कहाँ रहती है ये कोई नहीं जानता। संत कहते हैं, जब तुम्हें ये नहीं पता कि आत्मा कहाँ रहती है, तो तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि वो दोनों आवाजें तुम्हारे अंतरात्मा से आई थीं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, दोनों आवाजें तुम्हारे मन की थीं, जिन्हें तुमने गलत समझ लिया, क्योंकि ये दोनों आवाजें तुमने मन के शोर के बीच में सुनी थीं। ये आवाजें तुम्हारे मन की ही चाल थीं, जिसमें तुम फंस गए। अब जब तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब तुम मन के दुख में आकर यहाँ चले आए। अंतरात्मा सबसे सद्भावना रखती है, ये कभी डर, स्वार्थ, लालच, चोरी का रास्ता नहीं दिखाती। याद रखना, मन संदेह, स्वार्थ और अंधकार देता है, और अंतरात्मा शक्ति, विश्वास, प्रेम और रोशनी से भरती है। संत की बातें सुनकर उस आदमी ने पूछा, तो फिर अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनते हैं? क्या आप मुझे सिखा सकते हैं जिससे मैं जीवन की परेशानी से बाहर निकल सकूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब भी नहीं समझे, जब आत्मा तुम्हारी है तो अंतरात्मा की आवाज भी तुम्हें ही सुननी होगी। संत ने जमीन पर एक पत्थर उठाया और पास के एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया, जिसमें ऊपर तक पानी भरा हुआ था, और उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, इस गड्ढे में जो पानी है उसमें क्या हो रहा है? व्यक्ति चुप रहा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक सतह पर पड़ी हुई काई नहीं हटेगी, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भीतर क्या हो रहा है। असल में अंतरात्मा हमेशा मदद कर रही है, वो हमेशा बोल रही है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। जब तक मन पर विचारों की काई जमी हुई है, वो मन को शांत नहीं होने देती। हमारे मन में इतना शोर होता है कि हम कभी अंतरात्मा की आवाज सुन नहीं पाते, लेकिन जब ध्यान का अभ्यास होता है, तब ये काई कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे मन से हटने लगती है। एक बार जब मन के विचार शांत होते हैं, तब अंतरात्मा की आवाज सुनना भी सरल हो जाता है। जो साहसी होता है, दूसरों से शिकायत नहीं करता, जो लालच और स्वार्थ से दूर रहता है, जो खुश रहता है, उसी का मन शांत हो पाता है और वही इस पल में जी सकता है।
सूर्य की किरणों को, बारिश की बूंदों को, हवा के झोंकों को और मिट्टी की खुशबू को जो इस पल में महसूस कर सकता है, वही अंतरात्मा की आवाज सुन सकता है। संत कहते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, तुम्हें इसके लिए ध्यान अभ्यास करना होगा, क्योंकि ध्यान के अभ्यास से ही मन नियंत्रित होकर शांत और स्थिर होता है, और जब तुम ये करोगे तब यही अंतरात्मा तुम्हें गाइड करेगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आत्मा ही सच्ची गुरु होती है, यही इंसान को अंदर से सिखाती है। इस आवाज के कारण तुम गलतियां सुधारोगे, लोगों की मदद करोगे, सेवा और दान करोगे, क्योंकि सारे अच्छे कर्म अंतरात्मा की आवाज के कारण ही संभव होते हैं। इस आवाज के कारण तुम नए काम करोगे, परेशानी से बाहर निकलोगे और बेहतर इंसान बनोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए चेहरे पर मुस्कान और मन को सुकून देने वाली दो अनमोल कहानियाँ। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।